खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, निलंबित किए गए दो कर्मचारियों की बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर पर्यावास भवन में गृह निर्माण मंडल कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह रघुवंशी ने बताया कि हमारे कर्मचारी संतोष इंगले और जेपी मिश्रा को बिना नोटिस दिए निलंबित कर दिया गया, जो न्याय उचित नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। कंप्यूटर से नोटिस दिए जाने के पूर्व सॉफ्टवेयर की कमी को किया जाए और पुरानी किसी गलती पर वर्तमान के कर्मचारियों को सजा देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यभारित कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी और पीएचई कर्मचारियों की भर्ती पेंशन स्वीकृत की जाए। अगर प्रबंधन ने उनकी इन मांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई तो कर्मचारी 22 अगस्त से काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताएंगे और 31 अगस्त को बड़ी आम सभा कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बावजूद इसके इनकी मांगों नहीं माना गया तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। तो हरे आवाज तो हरे मंडल प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंडल प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंडल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो। बलवंत सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष हाउसिंग बोर्ड अधिकारी कर्मचारी संघ। हमारे मंडल प्रशासन में पिछले कई दिनों से तानाशाही चल रही है और मैं समझता हूँ कि ऐसा कई पहली बार देखने मिल रहा है। मेरे 35 साल के जीवन में इतनी भर्राशाही, इतनी लूट खसोट कभी हाउसिंग बोर्ड में नहीं हुई। अब तो खुलकर कर्मचारियों की पोस्टिंग के नाम पर, कभी उनको अकाउंट के नाम पर तानाशाही की जाती है। कल हमारे दो कर्मचारियों को बेवजह पूर्व आयुक्त श्री नितेश व्यास ने 1.6 करोड़ का टेंडर किया था, जिसमें कंप्यूटराइजेशन हुआ था। उस कंप्यूटर वाले लोगों ने गलतियाँ की हैं, गलत एंट्री की हैं। उस एंट्रियों को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे दो कर्मचारियों को कल जो सस्पेंड किया है, श्री संतोष इंगले और जेपी मिश्रा को, उन्होंने कोई बागची साहब हैं, निषाद कॉलोनी में रहते हैं, उनको एक नोटिस जारी किया जो कंप्यूटराइजेशन है, उसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बागची साहब कहीं कोई अनिरुद्ध मुखर्जी हैं, वो IAS हैं, बल्लभन बैठते हैं, उनके परिचित थे। अनिरुद्ध मुखर्जी हमारे विदिशा मुखर्जी मैडम को फ़ोन करते हैं और ये तानाशाही पूर्ण रवैया हमारी विदिशा मुखर्जी मैडम ने कल आनंद फानंद में उन लोगों को स्पॉट पर जाके सस्पेंड किया। कोई उनको नोटिस नहीं दिया, उनका पक्ष नहीं जाना, ना ही हमारे स्टेट ऑफिसर जो वहाँ बैठे थे, स्टेट ऑफिसर से पहले उनके मातहत कर्मचारी हैं उनसे उनकी जानकारी लेना थी, फिर कर्मचारियों पर यह व्यवहार किया जाना था। यदि हमारे दोनों साथियों को 15 अगस्त तक बहाल नहीं किया गया, हमने एक ज्ञापन आज तैयार किया है, कार्यभारित कर्मचारियों को PHE और PWD कर्मचारियों की भांति पेंशन दी जाए। निलंबित किए गए कर्मचारी श्री संतोष इंगले, जेपी मिश्रा को बहाल किया जाए। कंप्यूटर से नोटिस दिए जाने के पूर्व सॉफ्टवेयर की कमियों को दूर किया जाए। पुरानी किसी गलती पर हमारे वर्तमान कर्मचारियों को सजा देने कहीं से उचित नहीं है। संपदा प्रबंधन कार्यालयों में अव्यवस्थाएँ हैं, नस्ती रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, फाइलें खुले में पड़ी रहती हैं, इसकी हमने शिकायत की थी। उस पर कार्य तो नहीं हुआ, क्योंकि मुख्यालय में करोड़ों रुपये के काम, खुद के चैम्बर, आयुक्त महोदय का चैम्बर आलीशान बन गया, ठीक है, हमारे मुखिया बना लिया। अब वहाँ की पूरे रिनोवेशन फिर से हो रहा है, इसमें करोड़ों रुपये फेंके जा रहे हैं, जबकि हमारा राजस्व, जो हमारे राजस्व की मिलता है, जहाँ से हमारे धन मिलता है, जो हमारे आवंटी हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी की व्यवस्था है। हमारी मांग थी कि हमारे संपदा कार्यालयों में रखरखाव, फाइलों की रखरखाव और पब्लिक के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। अभी 19 तारीख तक, अब हमने जो नोटिस दिया है 19-8-23 तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है। 20 को छुट्टी है, 22 तारीख से हम लोग काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। 31-8 को पर्यावास भवन पर बड़ी आमसभा होगी, उसके बाद आगे भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी विदिशा मुखर्जी मैडम, हमारे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी और मंडल प्रशासन की होगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.